होली और सबे बारात को लेकर भौरा ओपी परिसर में आज शांति समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता ओपी प्रभारी जितेंद्र कुमार ने किया। वहीं इस मौके पर सर्वसम्मानित से रंगों के त्योहार होली व सबे बारात को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का निर्णय लिया गया। वहीं इस दौरान उपस्थित शांति समिति के सदस्यों ने होली और सबे बारात में प्रशासन का सहयोग करने की बात करते हुए अपने क्षेत्र में होने वाली समस्याओं से ओपी प्रभारी जितेंद्र कुमार को अवगत कराया। वहीं शांति समिति की बैठक संपन्न होने के बाद उपस्थित सभी लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं मौके पर भौरा ओपी प्रभारी जितेंद्र कुमार ने लोगों से होली और सबे बारात को सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील करते हुए डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहने की बात कही। साथ ही लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और किसी भी तरह की सूचना सबसे पहले थाना को देने की बात कही। झरिया से रिपोर्टर मनोज साव। चार जगह होली और सबे बारात को लेकर शांति समिति के सदस्यों के साथ मीटिंग रखी गई थी। भौरा ओपी अंतर्गत शांति समिति के सभी सदस्यों को बुलाया था, वो लोग आए। होली और सबे बारात को लेकर उन सबों से राय ली गई, क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र में उपद्रवी हो सकते हैं, कौन सा एरिया है जहाँ पे विशेष निगरानी पुलिस को रखनी चाहिए, उन सभी बाबत शांति समिति के सदस्यों के साथ चर्चा की गई। आपके द्वारा क्या पे ध्यान दिया गया डीजे और शराब वगैरह? डीजे और शराब वगैरह के पूर्व से ही हम लोग कार्रवाई करते आ रहे हैं। होली में विशेष नज़र प्रशासन की है, उपद्रवियों पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। अगर कहीं से सूचना प्राप्त होती है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।